और अगला है, व्हेन एनालाइजिंग द स्टोरीज ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी राइटर्स लाइक कार्वर एंड लिविट द अंडरलाइंग पर्पस ऑफ द स्टोरीज इज समटाइम्स हार्ड टू डिजर्न। तो पांच ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। हमारे पास पांच ऑप्शंस हैं, ठीक हो गया। तो मस्सा कहाँ पर है? अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू देर आर फाइव ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। तो मस्सा कहाँ पर है? पहली तो बात ये है कि ये डैंगलिंग पार्टिसिपल है, दिस इज ए प्रॉब्लम, ये डैंगलिंग पार्टिसिपल है, ठीक है। द डैंगलिंग पार्टिसिपल प्रॉब्लम है, यानी अब ये है दी फ्रेज, अब व्हेन एनालाइजिंग कोई भी पहला वर्ड, मैं आपको बड़ा लिटरली आम जुबान में समझा दूं कि किसी भी सेंटेंस में अगर इन फॉर्म का इस्तेमाल हो तो उसके ऑब्जेक्ट में फिर हमें उसका नाउन या प्रोनाउन देना जरूरी हो जाता है। तो ये मसला है यहाँ पर, व्हेन एनालाइजिंग ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट में इसका नाउन या प्रोनाउन नहीं है जिसको वो मॉडिफाई करें, तो इस इज कॉल डैंगलिंग पार्टिसिपल। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सुन लें गौर से, द फ्रेज, ठीक है, बिगनिंग व्हेन एनालाइजिंग हैज नो नाउन और प्रोनाउन टू मॉडिफाई, ये व्हेन एनालाइजिंग हैज नो नाउन और प्रोनाउन टू मॉडिफाई, तो लिहाजा ये मसला यहाँ पर ए। यानी मैं फिर रिपीट कर दूँ कि जब कोई पहला सेंटेंस एनालाइजिंग, ठीक है, इन फॉर्म का आएगा तो उसके ऑब्जेक्ट में उसका नाउन या प्रोनाउन देना जरूरी हो जाता है, लिहाजा यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन नहीं है। यानी मैं आपको समझा दूँ, द स्टोरीज ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, तो यहाँ तक कोई इसका नाउन या प्रोनाउन नहीं आया, लिहाजा ए इज़ ओवर आंसर, ए शुड बी ओवर आंसर। तो चले अब हम आगे चलते हैं।